अररिया लोकसभा चुनाव अब किसी भी प्रत्याशी के लिए आसान नहीं रहा है। इस लोकसभा सीट से बीजेपी से वर्तमान सांसद प्रदीप कुमार सिंह और आरजेडी के लोकसभा प्रत्याशी शहनवाज आलम जहां अपनी अपनी जीत का दम भर रहे थे, वहीं अब डॉक्टर शत्रुघ्न मंडल भी तीसरे खिलाड़ी के रूप में मैदान में दोनों को चुनौती देते दिख रहे हैं। अररिया लोकसभा क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में डॉक्टर शत्रुघ्न मंडल को कम आंकना बड़े दल के प्रत्याशियों के लिए भारी पड़ सकता है। राजनीति है, कभी भी बाजी पलट सकती है। डॉक्टर शत्रुघ्न मंडल के यहां आयोजित सामाजिक परिवर्तन सभा में सभी वर्ग धर्म से जुड़े लोगों ने जमकर अपना समर्थन दिखाया। इस अवसर पर अररिया लोकसभा के सभी प्रखंडों से लोग समर्थन देने पहुंचे थे और लोगों ने अररिया में निर्दलीय प्रत्याशी डॉक्टर शत्रुघ्न मंडल को जिताकर एक नया इतिहास बनाने का संकल्प लिया। इस अवसर पर जनता के साथ साथ अररिया लोकसभा से जुड़े छोटे बड़े नेताओं ने भी डॉक्टर शत्रुघ्न मंडल को अपना समर्थन दिया और जीत का भरोसा दिलाया। इस अवसर पर नरपतगंज विधानसभा से चार बार विधायक रहे जनार्दन यादव, पूर्व जदयू जिला अध्यक्ष अनंत राय, पूर्व बीजेपी जिला अध्यक्ष बब्बन सिंह, वंचित समाज के अध्यक्ष रामाशीष चौहान, मनोज पांडे, पूर्व मुखिया प्रवीण मिश्रा जैसे कई और नेता उपस्थित थे। आप लोग कोई आयु गए लोग नहीं है। आप लोग जब, क्योंकि हमको एक याद है, जिस दिन हमारे विधायक मुरली बाबू जीते थे तो प्रदेश से हमको आग्रह किया गया था कि जाकर के उनको अपने साथ लेते आइए। हम ले जाने के लिए आए थे, उस समय भले घर धन का नहीं बना हुआ था लेकिन कहीं पर हमको मुढ़ी का ढेर नजर आता था, कहीं चूड़ा का ढेर नजर आता था, कहीं चावल था, कहीं मूली था, कहीं टमाटर, तो कहीं गोभी, पूरा बुर्ज लगा हुआ था। वह सब आप लोग अपने अपने घर से लाए थे। यहाँ की जनता का हम देखे हुए दृश्य, जो आप लोग निकलते हैं तो सतुआ संभर साथ में लेके जाते हैं कि कहीं हमको खाना मिले या ना मिले, कहीं दुकान नजर आए चाहे नहीं आ रहे आए, लेकिन हमारे लक्ष्य प्राप्ति की ओर, हमारे उस गंतव्य तक पहुंचने में हमारा भूख प्यास हमको विवश नहीं करे, बाधित नहीं करे, तो आप लोग सतवा समर साथ में लेकर के निकल पड़ते हैं अभियान में। अररिया जिला के किसी भी विधानसभा में ऐसे देव दुर्लभ कार्यकर्ता हमको मिलते हैं, अभिनंदन करते हैं। जब तक किसी भी धरती पर आप लोग जैसे देव दुर्लभ कार्यकर्ता होगा रहेगा तो निश्चित तौर पर एक नया इतिहास इस बार के भी लोकसभा चुनाव में आप लोग के सहयोग से रचने का एक इतिहास बनेगा। हमसे पूर्व में कई सारे हमारे गार्जियन, हमारे अभिभावकों ने बताया कि यह एक लड़ाई है अपने आन की, अपने बाण की और अपने शान की और अपने समाज की। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि ये लड़ाई हमें अररिया लोकसभा की लड़ाई है, ना कि हमें केंद्र सरकार से कोई मतलब है, ना हमें राज्य सरकार से कोई मतलब है। हमें मतलब है तो सिर्फ हमारे लोकसभा से मतलब है, और हमारी लड़ाई है वर्तमान 10 सालों से जो हमारे सांसद बन के बैठे हुए हैं, क्षेत्र के विकास के नाम पे वोट मांग के हम लोगों के आंख में जो धूल झोंकने का काम कर रहे हैं, लड़ाई हमारी सिर्फ उन्हीं से है। हमें सिर्फ उनसे लड़नी है, ना कि हमें मोदी जी से और नीतीश कुमार जी से लड़ना है। और मैं लास्ट में, अधिक समय नहीं लूंगा, एक ही बात कहूंगा कि एक नया अररिया बनाना है, भाई शत्रुघ्न जी को भारी बहुमत से विजय बनाना है। धन्यवाद। इस आंदोलन का हिस्सा बने, ये चुनाव नहीं, ये आंदोलन है। अररिया की धरती बार बार आंदोलन हुई है, कोई पहली बार नहीं है कि शत्रुघ्न जी जैसे लोग सांसद बनेंगे, ये पहली बात नहीं है। यहाँ इनके पिताजी मुरली बाबू, उनके साथ हम लोग पटना तक गए थे जब वो निर्दलीय विधायक बने थे, ये मेरा सौभाग्य रहा है। तो मुरली बाबू
के समय में इससे ज्यादा महारथी लोग हुआ करते थे, जिनको पछाड़ कर मुरली बाबू ने विधानसभा तक का सफर किया था। आज कोई ऐसा उस मुकाबले नहीं है जिसलिए कि घबराया जाए कि आज लोकसभा का चुनाव लड़ने वाला कोई दमदार रहता हमारे साथ है, क्योंकि शत्रुघ्न जी शिक्षित हैं और जिस पिछड़े क्षेत्र से शत्रुघ्न जी आते हैं यहाँ पलायन की समस्या है, हमारे यहाँ रोजगार की समस्या है। इन सभी चीजों को शत्रुघ्न जी से अच्छा पटना में और अररिया शहर में बैठा हुआ आदमी नहीं जान सकता है कि देखिए विकास किस चीज की आवश्यकता है। हमारे यहाँ उद्योग के नाम पर सांसद जी के इन सब परिस्थितियों से लड़ने के लिए शत्रुघ्न जी की आवश्यकता है। और मैं संबोधन करना भूल गया, मन चाहती तमाम लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि शत्रुघ्न जी के लिए आप लोग जो है कि इतना समय दिए और उपस्थित सज्जनों, ये हम लोग मिशन है कि इस बार 2024 अररिया से हम लोगों को एक ऐसे लोगों को लोकसभा में भेजना है जो सरकार किसी की बने नजर शत्रुघ्न जी पर हो, कि अररिया के सुदूर देश से जिला से जो है कि देखिए शत्रुघ्न जी हमारे बीच सांसद बन के जाए। और कठिन नहीं है हम लोगों के लिए, जिस तरह की हस्तियां हमारे साथ जनार्दन जी जैसे लोग, नहीं बोल रहा हूँ उम्मीदवार बोल रहा हूँ, अररिया लोकसभा के उम्मीदवार डॉक्टर शत्रुघ्न मंडल जी, मंचा सिंह, तमाम पदाधिकारीगण, उपस्थित सज्जन वीरिन, नौजवान साथियों, माताएं बहने, प्रिंट मीडिया, मैं आज आप लोगों को ये देख करके आश्चर्य होता होगा कि जनार्दन यादव जो भारतीय जनता पार्टी का स्तंभ हुआ करता था, सबसे पहले सदस्य बना भारतीय जनता पार्टी का, वो आज माननीय शत्रुघ्न मंडल जी के मंच पर दिखाई दे रहा है। वास्तव में ये आश्चर्य की बात है, विचारणीय बात है, गौर करने की बात है। मैं अपनी बड़ाई नहीं करना चाहता हूं, हमारे अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के एक्स अध्यक्ष चंद्रशेखर सिंह बबन जी जो आज इस सभा की अध्यक्षता कर रहे हैं, वास्तव में वो मुझे जानते हैं और मैं उन्हें जानता हूं। मैं ईंट से ईंट बजाना चाहता हूं, मैं ईंट से ईंट बजाना चाहता हूं। लोगों ने कहा है कि मैं पूर्णिया जिला का 2 बार अध्यक्ष रहा, जब अररिया में एक निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में वंचित समाज के एक योद्धा तैयार हुए। लोकसभा का चुनाव छोटा मोटा चुनाव नहीं होता है साथियों, और इन्होंने जो हिम्मत जुटाई है ये हमारे लिए गर्व की बात है। और निर्दलीय चुनाव कैंडिडेट का नहीं होता है, ये आम जनता का चुनाव होता है, ये आप उसके प्रतिनिधित्व है, आप कैंडिडेट हैं, आप प्रत्याशी। लोकसभा चुनाव से जुड़ी पल पल की खबरों के लिए आप हमसे जुड़े रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।